सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका, हिंदी की टीचर, स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट है हिंदी और हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये आपकी बुक है हिंदी की, हिंदी व्याकरण वाटिका, और उसमें सबसे पहले टॉपिक है कौन बोले कैसे। आपके पास ये जो पिक्चर वाली जो पेज है वो आपको देखना है। फर्स्ट पेज है कौन बोले कैसे। हम भी अपनी बात बोलकर और लिखकर व्यक्त करते हैं या फिर बताते हैं, किसी को समझाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं या फिर चीज़ें होती है जिसकी आवाज़ें निकलती है, जो हमें यहाँ पे सीखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कबूतर, कबूतर की कैसी आवाज़ होती है। तो कबूतर गुटर गु बोलता है। आपके पास यहाँ पे बुक में पिक्चर भी दिया गया है। तो कबूतर की आवाज़ गुटर गु है। सेकेंड है घोड़ा, घोड़ा कैसे बोलता है तो हिन हिन करता है। मोर कैसे बोलेगा तो कैं कैं करता है। और कौवा कैसे बोलता है तो काँव काँव करता है। तोता तो टैं टैं बोलता है। और बतख है क्वैक क्वैक बोलता है। तो मेंढक है जो लास्ट टर टर की आवाज़ करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी आवाज़ें आती है, जो हमारे आसपास है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम वो भी आगे सीखेंगे। तो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ भिन भिन आवाज़ करती है। कोयल की कुहू कुहू आवाज़ होती है। चिड़िया की आवाज़ चीची होती है। और मुर्गा जो बोलता है कुकड़ू कू बोलता है। घड़ी की भी आवाज़ टिक टिक होती है, जब घड़ी चलती है तो टिक टिक आवाज़ आती है। जूता चरमराता है, जब आप चल के देखोगे कभी तो आवाज़ सुनना, जूते की आवाज़ चरमराने की आवाज़ आती है। और चूड़ियों की आवाज़ आती है, खन खन आवाज़ आती है। और बकरी जो होती है मैं बोलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दरवाज़ा है तो चर चर आवाज़ करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती है और आवाज़ करती है।